गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, बट आई थिंक टूरिज्म के मामले में ये इंडिया के बड़े बड़े स्टेट्स पर भी भारी पड़ता है। उसका रीजन, वेल, यहाँ पे आपको बीचेस से लेके फोर्ट्स, वाटरफॉल, कैसीनोज, अमेजिंग रोड और उसके साथ साथ इनकम्पेरेबल नाइट लाइफ मिलती है, जो कि शायद ही आपको किसी और स्टेट में देखने को मिलेगी। सो गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हैं गोवा जाने का, देन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी प्लेसेस है जो आपको विजिट करनी चाहिए नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और ओल्ड गोवा में। सो हेलो गाइज, माय नेम इज करण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल सिंड्रोम। अगर आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों कवर करने वाले हैं अपने ट्रिप में, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपके साथ थोड़ी सी टिप शेयर करूंगा जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी आपकी जर्नी में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद नॉर्थ गोवा। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको पार्टी करना पसंद है, नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहता है या फिर ऐसी प्लेसेस कवर करना चाहता है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, देन नॉर्थ गोवा इज फॉर यू। ज़्यादातर जो गोवा फेमस है अपने कैसीनोस, नाइट लाइफ, वाटर स्पॉट एक्टिविटीज एंड पार्टीज के लिए, वो सारी चीज़ें आपको नॉर्थ गोवा में मिलेगी। अगर आप यहाँ पे बीचेस की बात करें तो पार्टी करने के लिए आप बागा बीच जा सकते हैं, कलंगट बीच जा सकते हैं, अंजुना बीच और वागाटर बीच है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली अच्छा क्राउड मिलेगा। अगर वहीं पे आपको लेस क्राउडेड या फिर थोड़े फॉरेनर्स ज़्यादा है ऐसी प्लेसेस पे जाना है, देन यू कैन चेक आउट मोरजिम, अरम्बोल, कैंडोलिम बीच एज वेल। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बागा बीच पे थोड़ा सा रफ क्राउड भी आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हैं और थोड़ा सा अच्छा हाई लेवल का बीच चाहिए, देन यू कैन चेक आउट कलंगट, अंजुना और वागाटोर एज वेल। जस्ट माय सजेशन टू यू। अगर आपको गोवा में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करनी है, देन बागा, कलंगट और अंजुना बीच पे आपको बहुत अच्छी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 1500 रुपये पर पर्सन है 5 वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने को मिलती है, जिसपे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है वो आपको 1500 रुपये में करने को मिलेगी। नाउ अगर हम अदर प्लेसेस की बात करें नॉर्थ गोवा में जो आप विजिट कर सकते हैं एक्सेप्ट बीचेस, देन उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है चपोरा फोर्ट, जहाँ पे दिल चाहता है की शूटिंग हुई थी। ये मॉर्निंग 9:30 AM से लेकर शाम को 5:30 PM तक ओपन रहता है और यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, जिससे आपको वागाटर बीच और आसपास की जो चीज़ें उसका व्यू मिलेगा। सो डेफिनेटली आपके इंस्टाग्राम के लिए ये काफ़ी अच्छी प्लेस है। चपोरा फोर्ट के बाद आप विजिट कर सकते हैं फोर्ट अगोड़ा, पारा रोड जो कि डियर जिंदगी के बाद काफ़ी फेमस हो गया था और अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता था कि ये नॉर्थ गोवा में है, सो वी मिस्ड इट। आई डोंट नो, मतलब हमारे रिजॉर्ट से वो सिर्फ 7 किलोमीटर था, वी कुड हैव गॉन देयर इजीली, बट हमें पता ही नहीं था कि नॉर्थ गोवा में, सो वी मिस्ड इट। सो आप अगर जा रहे हो तो डेफिनेटली पारा रोड विजिट करके आना एंड टीटोस क्लब अ मस्ट विजिट इन नॉर्थ गोवा। हमने अगेन विजिट नहीं किया था, बट इफ यू आर गोइंग देयर चेक आउट द टीटोस क्लब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसेस जो आप विजिट कर सकते हैं इन ओल्ड गोवा एंड पंजिम। सो द फर्स्ट प्लेस जो हमारी लिस्ट में है वो है इमेक्युलेट कंसेप्शन चर्च। ये एक बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल चर्च है और यहाँ पे सिम्बा फिल्म की जो है शूटिंग भी हुई है। बाय द वे, अभी ये कोविड की वजह से बंद है, सो अगर आप जा रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लेना वेदर इट इज़ ओपन और नॉट, बट डेफिनेटली अगर आप पंजिम जा रहे हो तो फोटोज़ के लिए तो आप जा ही सकते हो, इट्स रियली ब्यूटीफुल। अब इसी चर्च से 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है फाउंटेनास, जो कि एक लैटिन एस्टैब्लिशमेंट है इन ओल्ड गोवा। अगर आपने फाउंटेनास टाइप करके देखना गूगल पे, आपको बहुत ही अमेजिंग फोटोज़ मिलेंगे कलरफुल हाउसेस की। तो यहाँ पे आप हेरिटेज वॉक करके कलरफुल जो वो हाउस है उसको देख सकते हैं, एकदम इंस्टा वर्दी फोटोज़ आएगी आपकी, डेफिनेटली मस्ट विजिट। नेक्स्ट प्लेस है वो है डोनापोला जेटी। ये वही प्लेस है जहाँ पे सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। अगर आपको याद है तो सिंघम ने जो पूरा वो रॉड निकाला था और दौड़ के गुंडों को मारा था जीप में, दिस इज द प्लेस जहाँ पे वो शूट हुई थी। और आप डेफिनेटली वो पूरा जो सीन है वहाँ पे रिक्रिएट कर सकते हैं और लैम्प पोस्ट के साथ। बट अभी जो प्लेस हमने जब विजिट किया था तब वो बंद था, कंस्ट्रक्शन वर्क अगेन चल रहा था। सो एक बार आप गूगल करके जा सकते, देख सकते वेदर इट इज़ ओपन और नॉट। लास्ट प्लेस इन अवर लिस्ट इज बेजिलिक ऑफ बॉम जीसस चर्च। यहाँ पे सेंट जेवियर्स की टूम्ब भी है और उनके रिमेन्स को आप साइड में से देख भी सकते हैं। यहाँ पर आई वुड रिकमेंड कि आप एक गाइड रख लीजिए ताकि आपको थोड़ी हिस्ट्री है वो जानने को मिले एंड यू विल गेट एन आइडिया अबाउट डिफरेंट कल्चर्स इन गोवा। नाउ नेक्स्ट जो है प्लेस वो एक प्लेस नहीं है, बट इट्स लाइक कि अगर आपको कैसीनो देखने में या फिर खेलने में इंटरेस्ट है या फिर आप देखना चाहते हो कि कैसे होते हैं अंदर से, देयर आई कैन डेफिनेटली विजिट डेल्टिन या फिर कैसीनो प्राइड।
क्योंकि ये सारे कैसीनोज है वो पंजिम में ही है। सो व्हेनेवर यू विजिट पंजिम डेफिनेटली आप दोनों कैसीनोज में जा सकते हैं। अब ओल्ड गोवा से हम चलते हैं साउथ गोवा की तरफ। एंड लिटरली जब आप एयरपोर्ट क्रॉस करके साउथ गोवा की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे आपको साउथ इंडिया वाली वाइब्स आना शुरू हो जाएगी विथ माउंटेन्स एंड बिग ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ योर रोड। साउथ गोवा की जो वाइब है वो टोटली डिफरेंट है नॉर्थ गोवा से। यहाँ पे भी आपको बीचेस देखने को मिलेगी बट नॉर्थ गोवा की कंपेयर में काफ़ी लेस क्राउडेड है और क्लीन भी। नाउ अगर हम बीच की बात करें तो आप साउथ गोवा में विजिट कर सकते हैं पालोलेम बीच विच इज़ लाइक द मोस्ट फेमस बीच इन साउथ गोवा। उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं अगोंडा कोलवा पेबल पटनेम एंड बटरफ्लाई बीच। इसके अलावा आप चर्च भी विजिट कर सकते हैं और साथ ही में आप काबो दे रामा फोर्ट और दूध सागर वाटरफॉल भी विजिट कर सकते हैं। साउथ गोवा नॉर्थ गोवा के कंपेयर में बहुत ही क्वाइट प्लेस है। सो इफ यू डोंट लाइक टू बी अराउंड लार्ज क्राउड या फिर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको अकेले घूमना ज्यादा पसंद है या फिर आराम से पूरे दिन बीच पे चिल करना है देन साउथ गोवा इज द प्लेस फॉर यू। और यहाँ पे भी आपको बीच के ऊपर शैक्स मिल जाएंगे टू हैव सम फूड एंड ऑल्सो आपको होटल्स भी मिल जाएंगे रूम्स भी मिल जाएंगे अगर आपको बीच के ऊपर ही स्टे करना है। बट वाटर स्पॉट एक्टिविटीज जो आपको नॉर्थ गोवा में मिलती है उस लेवल की वाटर स्पॉट एक्टिविटीज आपको साउथ गोवा में नहीं मिलेगी। नाउ लेट मी गिव यू सम ऑफ द टिप्स जो आपको आपकी ट्रिप पे काम लगेगी ताकि मैंने जो गलतियां की है अपनी गोवा ट्रिप में वो आप ना करें। नंबर वन, अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे गोवा देन आप एयरपोर्ट पे उतर के कदम्बा ट्रैवल्स बस सर्विस आप यूज कर सकते हैं जो आपको सिर्फ 200 रुपए में कलंगट या फिर पंजिम ड्रॉप करेगी। ट्रस्ट मी बहुत ही पैसे सेव हो गए आपके। ये जो बस है वो ऐसी लग्जरी बस है तो आपकी जो ट्रैवल है वो भी बहुत ही स्मूथ रहेगी। नंबर टू, अगर आपका प्लान है कि आप ट्रिप में नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोनों कवर करने वाले हैं देन रेंट अ कार फ्रॉम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन इटसेल्फ क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सी है उसका बहुत ही चार्जेस है। हमने दिया है साउथ नॉर्थ गोवा से एयरपोर्ट आने का ये लोग ने हमारे पास से 1800 रुपये लिया था और वहीं पे अगर हमारे पास कार होती तो हम 1500 रुपये में पहुँच जाते। सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप एक कार है वो रेंट पे ले लीजिए। अगर आप सिर्फ नॉर्थ गोवा घूम रहे हैं देन गो विद स्कूटी या फिर सिर्फ साउथ गोवा घूम रहे हैं गो विद स्कूटी। बट अगर आप दोनों प्लान कर रहे हैं देन डेफिनेटली रेंट अ कार। नंबर थ्री, स्टे एट अ रिलेटिवली चीपर प्लेस जो कि जो मेन अट्रैक्शन है वहाँ से थोड़ा दूर है और आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे स्कूटी से ट्रैवल करिए। इट विल डेफिनेटली सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। नंबर फोर, ऑलवेज कैरी योर लाइसेंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विथ यू। ट्रस्ट मी यहाँ पे अंजलि को 3 बार नॉर्थ गोवा में रोका था स्कूटी में लाइसेंस चेक करने के लिए। सो प्लीज कैरी लाइसेंस विथ यू। सो गाइज ये थे प्लेसेस जो आप विजिट कर सकते हैं नॉर्थ गोवा एज वेल एज इन साउथ गोवा। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप दोनों एक साथ करना चाहते हैं देन स्टे देयर फॉर 6 डेज एट लीस्ट बिकॉज तीन दिन नॉर्थ गोवा 3 दिन साउथ गोवा आपको आराम से लग जाएगा। प्रॉपरली आप मजे से एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर अभी तक आपने गोवा की सीरीज नहीं देखी है देन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। हमने जितने भी प्लेसेस मेंशन किए उसमें से ऑलमोस्ट 70-80% प्लेसेस हमने कवर किए हैं। सो यू विल गेट एन आइडिया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो प्लेसेस के बारे में। सो डेफिनेटली चेक आउट द गोवा सीरीज। अब नेक्स्ट कहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं वी डोंट हैव एनी आइडिया। सो एज सून एज वी गो समवेयर वी विल अपलोड अ वीडियो सून। सो गाइस सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो टर्न द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट सीरीज लाए हो नेक्स्ट वीडियो लाए हो उसके आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड आई विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।